जय माता दी। मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट जुलाई 2023। मिथुन लग्न के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और वायु तत्व लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में दोहरा गुण पाया जाता है, ड्युअलिटी पाई जाती है। वे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन के भाव में रहते हैं, साथ ही वे स्थिरता और बदलाव दोनों को ही साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का प्रभाव इन पर रहता है। वायु तत्व लगन होता है, स्वतंत्र विचारधारा के साथ व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, बुद्ध से प्रभावित होते हैं, अच्छी खासी बौद्धिक क्षमता के साथ जीवन जीते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखना और नया कुछ करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इनका बेसिक स्वभाव रहता है, बेसिक नेचर रहता है, तो कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहता है। साथ ही बाल स्वभाव, बच्चों जैसा गुण हमेशा रहता है। अब देखें, यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश, चूँकि बुध बनते हैं, उसकी स्थिति को देखें तो बुध का गोचर इस माह के अंतर्गत सबसे पहले मिथुन राशि के अंतर्गत रहेगा, जो कि 8 जुलाई तक रहेंगे लगन के अंतर्गत। लगन के मालिक बुध का लगन पर गोचर, और जो कि चतुर्देश बनकर भी लगन पर गोचर है, ये एक अच्छी स्थिति को बताता है। इस माह के अंतर्गत 8 जुलाई तक बुध के द्वारा भद्र योग का निर्माण हो रहा है, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है। तो इस माह के आरंभ के अंतर्गत 8 जुलाई तक आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपका स्वभाव, आपका व्यवहार किसी एक महापुरुष की भांति आप रहेंगे। इस प्रकार का प्रभाव, मतलब कहीं ना कहीं आपका वैल्यू सिस्टम काफ़ी हाई होता हुआ नज़र आएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को एक अच्छे से मेंटेन करते हुए नज़र आएंगे, अपने विचारधारा को उच्च कोटि की बना लेंगे। इस प्रकार का प्रभाव रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक तौर पर छवि भी अच्छी बनती हुई नज़र आएगी, सामाजिक कार्यों में रुचि विशेष तौर पर बढ़ेगी, और वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, जिससे सामाजिक तौर पर आपको लोग एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर जानेंगे। इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। और बुध के द्वारा भद्रयोग बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको व्यापारिक तौर पर एक अच्छे बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आ सकते हैं। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी इस समय के अंतर्गत काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। विशेष स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन का मालिक लगन पर ही है, तो इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्वयं के बारे में सोचते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। ये थोड़ा सा कह सकते हैं स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब पहले, क्योंकि यहाँ पर मिथुन लगन है और बुध का द्वारा जो योग बना हुआ है, ये एक प्रभाव ये रहता है कि व्यक्ति पहले अपना भी लाभ सोचता है, साथ ही दूसरों का भी लाभ सोचता है। ये कह सकते हैं जो कार्य है खुद को लाभ देने वाला है, उस कार्य के द्वारा सारे समाज को, सारे संसार को लाभ देने की प्रवृत्ति आप रखते हैं, तो ये भी एक स्थिति इस समय के अंतर्गत देखने को मिलेगी। साथ ही क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक बनकर भी लगन पर आया, तो कहीं ना कहीं माता को बहुत इंपॉर्टेंस आप देते हुए नजर आएंगे इस समय के अंतर्गत, अपनी मदर को। साथ ही भूमि, भवन, वाहन, सुख की दृष्टि से आप कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन में रहेंगे कि किस प्रकार से कितना, मतलब सुख संबंधित सामग्रियों को लेकर कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस को मैनेज करने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स भी आप में इस समय में काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर इस समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, भूमि, भवन, वाहन, सुख की दृष्टि से, सुख संबंधित कार्यों की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहने वाला है, और कहीं ना कहीं आपके सामाजिक तौर पर छवि और नेम एंड फेम को लेकर भी काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर इस समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव 17 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत सूर्यदेव गोचर करेंगे। सूर्य का प्रभाव मिथुन राशि में, जो कि तृतीयेश बनकर, तृतीय भाव के स्वामी बनकर ये आए हैं लगन पर। देखिए, अब आपके लगन के मालिक को आरंभ में ही, अगर माह के आरंभ से ही देखें, तो यहाँ पर एक फायदा ये रहेगा कि सूर्य का भी साथ मिल जाएगा, मतलब आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। मतलब अगर आप इस समय के अंतर्गत खुद के लिए, स्वयं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर, या समाज के लिए भी, या लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छी खासी पावर, अथॉरिटी, एक रिसोर्सेज, ये सब आपके पास आते हुए नजर आएंगे। साथ ही लीडरशिप क्वालिटी सूर्य के प्रभाव में आपके अंतर्गत सबसे अच्छी रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं आप लीड करते हुए भी नजर आएंगे। स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप में एक अच्छी खासी नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इस समय इन चीजों के लिए अच्छा है। साथ ही तृतीयेश बनकर लगन पर आया, कहीं ना कहीं आप छोटे भाई बहनों को लेकर
अपने ऊपर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का भार महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। सूर्य का प्रभाव है तो थोड़ा सा अहंकार की स्थिति बन सकती है, स्वाभिमान में वृद्धि हो सकती है कह सकते हैं, और बुध भी स्वराशि हो रहे हैं तो कह सकते हैं छोटी किसी किसी बात को लेकर आप में थोड़ा अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाए या स्वाभिमान आपका जागृत हो जाए, तो थोड़ा सा ये आपको महसूस हो सकता है। या कह सकते हैं किसी से कुछ मांगने के लिए इस समय के अंतर्गत आप थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में एक ऐसा समय रहेगा कि इस समय के अंतर्गत आप दुनिया का भला करते हुए दुनिया को कुछ देते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा इस समय में आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली आपके साथ रहेगी, आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ी दिक्कतें आप में आएंगी। साथ ही यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं इस समय में, खासकर जब तक बुध 8 जुलाई तक, क्योंकि बुध जब सिंह राशि में जाएंगे तब तो छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये भी हम अभी आगे बताने वाले हैं, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर बुध का पहले सूर्य का प्रभाव, जैसा कि हमने जाना, अब देखिए सूर्य का प्रभाव जब द्वितीय भाव में आएगा तो पराक्रम भाव के स्वामी भी द्वितीय भाव में, और फिर 8 जुलाई के बाद से आपके 25 जुलाई तक बुध भी कर्क राशि में। मतलब अगर हम देखें तो 8 जुलाई के बाद आपका मेन फोकस अपने परिवार को लेकर, कुटुंबजनों को लेकर, इनको लेकर ज़्यादा, अपने फाइनेंस को लेकर ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी जब द्वितीय भाव में है तो कहीं ना कहीं संचित धन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, मतलब खर्च होता हुआ ज़्यादा नजर आ सकता है, परिवार पर खर्चा हो सकता है, कुटुंबजनों पर खर्चा हो सकता है, ये खासकर 8 जुलाई, क्योंकि 8 जुलाई के बाद लग्नेश बुध का गोचर द्वितीय भाव में होगा, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनेगी। वाणी पर काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा, अपनी वाणी से आप सामने वाले व्यक्ति को मोहित कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा प्रभाव वाणी के लेकर यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखिए बुध का जो प्रभाव रहेगा वो सिंह राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में, तो ये 25 जुलाई के बाद आपकी छोटी छोटी यात्राओं में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को लेकर विशेष कर्म करते हुए नजर आएंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा, मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप किसी तरीके के टेक्निकल फील्ड में भी जुड़े हुए हैं तो वहां मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आप बहुत अच्छा इस समय के अंतर्गत करते हुए नजर आएंगे, तो कुल मिलाकर इस समय आपके लिए इन चीजों को लेकर ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब देखिए यहां पर एक और बात है कि सूर्य का प्रभाव जैसे ही कर्क राशि के अंतर्गत आएगा, द्वितीय भाव में जाएंगे, खासकर 17 जुलाई के बाद से जो स्थिति जैसे बनती है, तो पराक्रम विशेष तौर पे आप देखेंगे कि 17 से 25 का समय ऐसा पाएंगे जिस समय में आपका मेन फोकस अपने परिवार को लेकर, अपने धन को, संचित धन को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, इस समय में ये ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर पराक्रम भाव के स्वामी का भी द्वितीय भाव से संबंध और लग्नेश का खुद द्वितीय भाव से संबंध बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेविंग्स को लेकर ज्यादा चिंतित रहेंगे, अपने कुटुंब परिवार के लोगों को थोड़ा सा इस समय में परिवार के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, कहीं ना कहीं परिवार की बातों को ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तवज्जो जैसे ही आप अपने परिवार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा वो देंगे, तो यहां पर आपका भी नेम एंड फेम बढ़ता हुआ अपने परिवार के अंतर्गत नजर आएगा, और ये नेम एंड फेम तो आपको 8 जुलाई के बाद से ही देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं परिवार के अंतर्गत एक अच्छी छवि आपकी बन रही है, मतलब वहां पर आपका नाम बढ़ रहा है, तो वो एक अच्छी स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद देखें यहां पर मंगल का प्रभाव, विशेषतः मंगल षष्ठेश भी हैं, एकादशेश भी हैं सिंह राशि के अंतर्गत पराक्रम भाव में, तो ये बात तो तय है कि इस माह के अंतर्गत, क्योंकि सूर्य का प्रभाव पहले लग्न पर रहेगा, तो ये बात तो तय है कि इस माह के अंतर्गत आप अपने आप को काफ़ी पराक्रमी, काफ़ी ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं, तो ये एक स्थिति तो आपके अंतर्गत यहाँ पर रहेगी। विशेषतः मंगल पराक्रम भाव में, विशेषतः पराक्रम में वृद्धि भी रहेगी, साथ ही इच्छा पूर्ति आपके छोटे भाई बहनों से होती हुई नजर आएगी, छोटे भाई बहनों, क्योंकि यहाँ इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी तृतीय भाव में, छोटी छोटी यात्राएँ आपके लिए लाभ देने वाली, आपकी इच्छा की पूर्ति करने वाली होगी। हो सकता है कि आप किसी इच्छा पूर्ति के लिए कहीं जाए, आपका काम बन जाएगा, ये भी एक अच्छी स्थिति मंगल के द्वारा यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। और यहां पर टेक्निकल फील्ड में अगर आप हैं और वहां पर भी मैकेनिकल में अगर हैं तो वहां पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको, यहां बहुत अच्छा काम आप वहां पर करते हुए नजर आएंगे। और जो व्यक्ति सुरक्षा संबंधित जगहों पर हैं या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने बाहुबल के द्वारा कुछ करने वाले हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो उन सब लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा जाने वाला है, वहां पर बहुत अच्छा पराक्रम आप दिखाते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। अब साथ ही देखिए मंगल और एक
एक स्थिति और यहाँ पर बनती है कि कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जुड़कर अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो 25 जुलाई के बाद तो एक बहुत अच्छा समय रहेगा कि आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति सोशल मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट से जुड़कर काम करने में, न्यूज़ के द्वारा जुड़कर काम करने में वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड माध्यम से वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी भाव पर, तो ये समय एक अच्छी स्थिति। एक और बात यहां पर पता लगती है कि 1 जुलाई से, क्योंकि जुलाई माह के आरंभ से ही मंगल तृतीय भाव में है और मंगल ने चौथी दृष्टि डाली षष्ठम भाव पर, और वहीं सेम टाइम पर आपको लग्नेश लग्न पर मिल रहा है। षष्ठम भाव पर जैसे मंगल ने दृष्टि डाली और शनिदेव भी बकरी, शनिदेव की दशम दृष्टि भी है, तो ये भी एक प्रभाव देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं सिक्स हाउस रिलेटेड। अब आप मतलब कहीं ना कहीं अगर आप की कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो इस समय में कहीं ना कहीं आपका वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप में एक विशेष पराक्रम आपके अंतर्गत आता हुआ नजर आएगा, आप शत्रुओं का दमन करते हुए नजर आएंगे, आप अपने आप को काफ़ी प्रभावशाली काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है, तो आपका सुख की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं का दमन करते हुए इस समय में आप सुख महसूस करते हुए नजर आएंगे, रोग रिपु ऋण किसी भी तरीके का। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज की प्राप्ति भी हो जाएगी, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन कर्ज देने से इस समय में बचना है, नहीं तो वो पैसा आपका फंस सकता है, तो वो भी संभावना देखने को आपको मिलेगी। तो ये एक संभावना है। साथ ही आप अपने मामा मौसी को लेकर उनका सुख प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरीके का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये माह बहुत अच्छा रहेगा। आप आसानी से किसी तरीके का इंटरव्यू अगर क्लियर करना है या एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर, जहां पर शनिदेव कर्म के कारक ग्रह बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पिता की गुरु की जिम्मेदारी या धार्मिक चीजों की जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि वहां पर रिलेशनशिप के लिए कि पिता से गुरु से रिलेशन संबंधों को सही करने के लिए आप ज्यादा प्रयासरत रहेंगे, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि दशम भाव पर और दशमेश, क्योंकि गुरु राहु के साथ शनि के साथ दृष्टि है, तो ये समय थोड़ा ध्यान रखना है कि कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपका आपसे बड़े अधिकारी लोग जो हैं या आपके बॉस हैं या आपसे ऊपर के जो लोग हैं उनके साथ मतभेद या आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, वहां पर समस्याएं बन सकती हैं, उनके द्वारा छल हो सकता है, धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, तो ये भी संभावनाएं थोड़ी वहां पर बनती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद देखें, यहां पर बुध का प्रभाव जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि पंचमेश भी हैं, व्यय भाव के 12वें घर के स्वामी भी हैं, पहले आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जो थोड़ा संचित धन में परेशानी तो लाएंगे कि धन संचित धन का खर्चा हो सकता है, ये समस्या बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी को बहुत प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं, काम निकलवा सकते हैं, सब चीज़ें वहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा खाने पीने के शौकीन इस समय में ज़्यादा रहेंगे, खासकर 7 जुलाई तक आप पाएंगे आपको ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजकों का चखने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, इस तरीके का मतलब कहीं ना कहीं खाने पीने का ध्यान इस समय में रखना चाहिए। जो शुगर से पीड़ित व्यक्ति हैं उसको तो थोड़ा इस समय में ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना है। साथ ही इसके बाद शुक्र का प्रभाव पंचमेश होने के कारण वो कहीं ना कहीं धन आपको आपकी शिक्षा से दिलवा सकता है, तो ये 7 जुलाई तक एक अच्छी स्थिति है कि आपको आपकी शिक्षा से धन आपको प्राप्त हो रहा है, तो वो भी एक अच्छी संभावना यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, शुक्र का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में गोचर करेगा, व्यय बनकर भी छोटे भाई बहनों पर खर्चा 7 जुलाई के बाद से होने की संभावना है, छोटी छोटी यात्राओं में खर्चा हो सकता है, आपका आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बाहर आता हुआ नजर आएगा और आप अपनी कला से सब व्यक्तियों को बड़ा ही प्रसन्नचित कर सकते हैं, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पर क्योंकि चतुर्थ से 12वें शुक्र जाएंगे और चतुर्थेश क्योंकि लगन पर है, चतुर्थेश का संबंध धन भाव से भी बन रहा है, तो यहाँ पर एक स्थिति और बनती है कि एक और बात है कि आपको इस माह के अंतर्गत खासकर 8 जुलाई के बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी से भी धन प्राप्त हो सकता है और साथ ही साथ आपका जो धन है वो कहीं ना कहीं लग्जरियस चीज़ों पर खर्च, खासकर अपने सुखों को बढ़ाने के लिए वहां पर भी आपका धन खर्च हो सकता है, तो ये भी संभावनाएं खासकर 7 जुलाई के बाद जैसे शुक्र चतुर्थ से 12वें आएगा तो कहीं ना कहीं भूमि मतलब घर से संबंधित आपका लग्जरी बढ़ाने में वहां पर खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। वहीं देखिए
गुरु का जो प्रभाव जो कि सप्तमेश भी है, दशमेश भी है, धन भाव में लेकिन राहु आय भाव में है, लेकिन राहु के साथ है, शनि से दृष्ट है, लेकिन अभी शनि वक्री होने से शनि का थोड़ा प्रभाव यहाँ पर कम कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंतर्गत शनिदेव वक्री हैं उनको अब आय भाव का अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि और गुरु का राहु गुरु का जो प्रभाव है बेसिकली राहु के कारण थोड़ी अड़चने बाधाएं तो आती ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आय वृद्धि के अच्छे साधन देखने को मिल सकते हैं। सप्तमेश व्यापार भाव का स्वामी आपका, ये दशमेश भी आपका आय भाव में है, व्यापार में लाभ तो मिलेगा लेकिन अड़चने बाधाओं के साथ, क्योंकि राहु अपना प्रभाव नहीं छोड़ने वाले हैं, ये आपको दिक्कतें बाधाएं अड़चनों में डालकर तब आपको लाभ देंगे, तो ये भी स्थिति बनेगी। साथ ही गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो गुरु की दृष्टि पांचवी दृष्टि ज्ञान दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, तृतीय भाव से संबंधित आपका सोशल मीडिया वगैरह कम्युनिकेशन है, छोटी यात्राएं हैं, तो वहां से संबंधित डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस समय खासकर जैसे ही बुध 25 जुलाई से जाएंगे तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क अगर कोई अटका हुआ है तो ये आप, या लाइसेंस रिलेटेड अगर कुछ काम आप कर रहे थे आपका नहीं बन पा रहा था, कोई दिक्कत आ रही थी, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क अगर आपका है तो 25 जुलाई के बाद आपको अच्छी खासी वहाँ पर मतलब सफलता मिलने की पूर्ण रूप से उम्मीद यहाँ पर रखनी चाहिए। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर, शनि का भी प्रभाव वक्री होने से पंचम भाव फिर से एक्टिवेट हो रहा है, जो कि मंत्र साधना सिद्धि का भी है, तो ये भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति निसंतान है, उस संतान प्राप्त करना चाहते हैं, संतान से जुड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। निसंतान को संतान प्राप्त हो सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा समय, खासकर अभी जब बुध कन्या के बाद तुला में आएंगे तो ये और प्रबल संभावना को बना देगा कि जिस समय के अंतर्गत आपको संतान प्राप्ति की बहुत अच्छी, लेकिन अगर आप प्रयासरत हैं तो प्रयास करिएगा। साथ ही जो व्यक्ति कहीं अच्छी जगह मतलब कोई एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको उस एजुकेशन से रिलेटेड या फिर आपको ग्रेजुएशन से अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये समय कहीं ना कहीं शनि का वक्री होना भी और गुरु की दृष्टि शनि का प्रभाव पंचम भाव पर, ये कहीं ना कहीं आपको आपके शिक्षा संबंधित कार्य में भी लाभ देने वाला रहेगा, फायदा देने वाला रहेगा। आप देखें यहाँ पर गुरु की नवी दृष्टि सप्तम भाव पर, यह समय अब ऐसा चल रहा है जिस समय आप अपने लिए कोई पार्टनर अगर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो भी मिल सकता है, मतलब पार्टनर को लेकर भी अच्छा है और साथ साथ संतान को लेकर बच्चे को लेकर भी अच्छा समय चल रहा है। नया व्यापार करने के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, खासकर भद्र योग का भी निर्माण हो रहा है, तो बुध मिथुन राशि में है तो 8 जुलाई तक तो एक और अच्छी स्थिति है कि अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा, क्योंकि बुध मजबूत स्थिति के अंतर्गत रहेंगे, उस समय में क्या हुआ कार्य आपको आगे चलकर लाभ ही देने वाला रहेगा, पार्टनरशिप होने के भी योग बनते हैं, लेकिन खासकर ध्यान रखिएगा जब तक राहु के साथ संबंध शनि से दृष्ट गुरु, तो इस समय में पार्टनर चुनते वक्त विशेष ध्यान रखना है, पार्टनर दिक्कत कर सकता है आपको, चीटिंग धोखा या गलत पार्टनर आपको जुड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं शनि का जो प्रभाव चल रहा है, शनि अष्टमेश और नवमेश बनकर नवम भाव में, विशेषतः इस समय चल रहा है पिता की जिम्मेदारी का, गुरु से संबंधित कुछ विशेष कर्मों का, धार्मिक अनुष्ठानों का, धार्मिक कार्यों का, धर्म कर्म के कार्य, ग्रेजुएशन अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय, शनिदेव का प्रभाव ये चला ही रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं शनि का दृष्टि तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर, ये आपको इनकम देगी, क्योंकि गुरु और शनि का दोनों का ट्रांजिट चल रहा है, आय देगी, नेटवर्क आपका बढ़ाने वाली रहेगी, फायदा आपको देगी, लाभ देगी, इच्छा पूर्ति कराने वाली रहेगी, दशा अगर सपोर्टिव है तो इच्छा पूर्ति अवश्य होती हुई दिखाई देगी। वहीं शनि और गुरु का प्रभाव आपके तृतीय भाव पर, तृतीय से संबंधित सारे काम होते हुए नजर आएंगे, राइटिंग से रिलेटेड वर्क अगर आप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क अगर आप कर रहे हैं, पराक्रमी मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना साहस दिखाते हुए नजर आएंगे, तो वो भी सब कार्य छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ कार्य है तो ये सारे होते हुए नजर आएंगे, डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क यहां पर होता हुआ नजर आएगा, तो ये सब स्थिति होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में वहां पर भी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि षष्ठम भाव पर, विशेष तौर पर कर्म आपका जारी है, सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है, आप देखें यहां पर नौकरी भी हो सकती है, साथ ही साथ अगर आप जीव दया वगैरह मतलब कहीं ना कहीं जो पशुओं की जानवरों की इनकी सेवा अगर आप करते हैं तो वो भी कर्म यहाँ पर जोड़ता हुआ दिखाई देता है। अन्यथा यहाँ पर शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि रोग से संबंधित, क्योंकि दशम दृष्टि है कर्म करवाकर तब उसको खत्म कराते हुए नजर आएंगे, तो ये एक स्थिति, या ऋण से संबंधित कर्म कराकर मतलब आप अपना ऋण चुकाने में लगे रहोगे, उससे संबंधित कार्य करते रहोगे, रोग को खत्म करने का प्रयास करते रहोगे, ऋण को शत्रुओं का दमन करने का प्रयास करते रहोगे, शत्रु का दमन कर रहे हैं उसके लिए विशेष प्रयास रहता है, विशेष कर्म कर रहे हैं, तो ये सारे कर्म यहाँ पर शनिदेव की दशम दृष्टि करा रही है, साथ ही साथ शनिदेव की दशम दृष्टि है, और तो नौकरी के लिए भी अगर आप कर्मरत हैं तो आपको विशेष लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। शनि का प्रभाव थोड़ा सा डिले कर सकता है लेकिन डिनाई कभी नहीं करता, अर्थात इनकार कभी नहीं करेगा, देरी कर सकता है लेकिन
मना नहीं करते हैं, शनिदेव अवश्य देंगे आपको। वहीं राहु केतु का प्रभाव, केतु का प्रभाव पंचम भाव में जब गुरु की दृष्टि है तो इसको प्रभाव को आप अच्छा मान सकते हैं। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं इंट्यूशन लेवल आपका हाई होता हुआ नजर आएगा, आपको पहले से ही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी, पूर्वानुभास आपको हो सकता है। थोड़ा सा बच्चों को लेकर आप असंतुष्ट या फिर कह सकते हैं कि क्योंकि बौद्धिक यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता का भाव जो है और यहाँ पर केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे काम आपसे करा सकता है हेडलेस होकर कहीं ना कहीं, तो जो आपके इंट्यूशन लेवल पर तो अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप किसी तरीके के एक प्लानिंग बनाकर कर रहे हैं तो वहां पर उसमें दिक्कतें बन सकती हैं, तो वो भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। वहीं राहु का प्रभाव आपके लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में आपको थोड़ा लालच दे सकता है, तो थोड़ा लालच करने से बचेगा, लेकिन यह आपको गुरु का प्रभाव, थोड़ा सा अपने ध्यान रखिएगा कार्य क्षेत्र में किस तरीके के लोगों से आप मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ गलत व्यक्ति आपको लालच देकर आपका नुकसान करा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं देखिए शुभ दिन 2 से 4, 6 से 8, 10 से 13, 15 से 17, 17 से 20, 22 से 25, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। और अशुभ दिन में 1 से 2, 4 से 6, 10 से 13, 13 से 15, 27 से 29, 29 से 1, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। शुभ दिनों के अंतर्गत आपको फायदा लाभ आपको हो सकता है, अशुभ दिनों में रोग रिपोर्टिंग झगड़े का संबंध कलह कलेश ये सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। आप देखिए यहाँ पर 10 से 13 का दिन जो कि कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मिला जुला दिन रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 4 से 6, 29 से 1 की हो सकती है। एक बात का ध्यान रखना है, इस महा यात्रा के जैसे योग हम हमेशा बताते हैं, लेकिन जब लगन का मालिक जब तृतीय भाव में जाएगा अर्थात 25 जुलाई के बाद तो यात्राएं होनी ज्यादा रहेंगी, तो एक स्वाभाविक सी बात यहां पर रहेगी। मनोरंजन के लिए यात्रा 2 से 4 की होगी, धार्मिक यात्रा 2 से 4, 6 से 8, 27 से 29 की हो सकती है। वहीं अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी से संबंधित यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 22 से 25 की हो सकती है। अब देखिए अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है 17 जुलाई और गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 की है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि गुरु पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए सप्तमेश भी और दशमेश भी गुरु बनते हैं, और जो कि इच्छा पूर्ति के भाव में समय बैठे हुए हैं, और दृष्टियां भी आपकी तृतीय भाव पर, पंचम भाव पर, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर डाले हुए हैं। विशेष तौर पर आपके लिए गुरु, क्योंकि आप बुध लग्नेश आपका बुध है, तो कहीं ना कहीं आप एक स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं, सीखने वाले हैं, एज ए लर्नर हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके वो एक सदगुरु की एक शरण में अगर आप रहते हैं तो आपको विशेष फायदा रहेगा। 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव के पास जाइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपका ये जो गुरु राहु चांडाली और शनि की दृष्टि है ये आपके गुरु मतलब कहीं ना कहीं गुरु ग्रह में भी मजबूती लेकर आएगी और आपको कर्म क्षेत्र में भी सपोर्ट करेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार वर्ग में भी आपको, या फिर आपके रिलेशनशिप को भी मजबूत बनाती हुई नजर आएगी, और साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन के भी मधुरता और प्रसन्नता का भाव लेकर आती हुई नजर आएगी। उपाय के तौर पर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, हनुमान चालीसा को पढ़ना है, स्ट्रीट डॉग कुत्तों की सेवा आपको करते रहना है, उसके से संबंधित कुछ भी कार्य अगर आप करें, उनका खिलाने पिलाने देखभाल करने का काम कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ाएगा। और देखिए अभी शनि का जो प्रभाव आपके नवम भाव में चल रहा है ये बताता है कि आपको मंदिर डेली जाना चाहिए, जिससे आपका भाग्य में विशेष वृद्धि रहेगी। तो डेली देवालय जाते रहिएगा, दर्शन करते रहिएगा, साथ ही साथ सेवा से जुड़े रहिएगा, आपको जानवरों के विशेष तौर पे सेवा करते रहना है, आपको विशेष लाभ रहेगा। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।